शिवाय पूरी रात जेल में बिताएगा, उसने कहा और तूने मान लिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को समझ नहीं आ रहा शिवाय भैया को क्या हो गया। मैंने पहले उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा, ऐसा लगता कि अब उन्हें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शिवाय की हालत के जिम्मेदार हम हैं, अनिका भाभी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। नहीं नहीं नहीं, अनिका भाभी ने जो कुछ किया वो भैया की भलाई के लिए। रुद्रा, अनिका ने शिवाय का दिल तोड़ा है, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि दिल के साथ साथ शिवाय खुद टूट जाएगा और हमें ही कुछ करना है। ओमकार, रुद्र, मैंने सुना है शिवाय ने बेल लेने से मना कर दिया। ओ मैं माता, ओमकार तू जाओ से समझा, वो तेरी बात नहीं डाल सकता। शिवाय, शिवाय सिंह ओबरॉय एक रात लॉकअप में बिताएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों जाओ अभी उसे वापस लेकर आओ। मैं बात कर रही हूँ तुम दोनों से, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? हमें झूठ बोलना नहीं आता, और अगर सच कहेंगे तो बदतमीज कहलाएंगे। ऐसा कौन सा सच बोलना है तुम्हें? हाँ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे मैंने कोई गलती की है? गलती नहीं की आपने, आपने गुनाह किया है। ऐसा क्या किया मैंने? आपने हमसे हमारा भाई छीन लिया छोटी माँ। आज जो शिवाय की हालत है ना, आपके बेटे की हालत, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपने शिवाय से वो हर एक चीज छीन ली जो शिवाय को शिवाय बनाती है। उसका गुस्सा छीना, उसका प्यार, उसकी ख्वाहिश, उसके ख्वाब सब छीन लिए। तमीज से बात करो, ऐसे कौन से ख्वाब छीन लिए मैंने अपने बच्चे से? वाह, कैसी माँ है आप, अपने बेटे के दिल को नहीं पहचानती। छोटी माँ, अनिका भाभी ही शिवाय की ख्वाहिश और शिवाय की ख्वाब थी, और आपने तो अनिका भाभी को ही छीन ली। आपकी वजह से अनिका भाभी घर छोड़ के गई, मगर भाभी अकेले नहीं गई, वो साथ में शिवाय भैया का दिल भी लेके चली गई। और शायद आपने गौर भी नहीं किया होगा, अब भैया की आंखों में ना प्यार दिखता है ना गुस्सा दिखता है, दिखता है तो सिर्फ खालीपन जो आपने उनको गिफ्ट किया है। लेकिन गलत हम थे, क्योंकि अनिका भाभी ही शिवाय की खुशी है। आई एम सॉरी छोटी माँ, मैं छोटा हूँ फिर भी आपको इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, मगर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने शिवाय भैया से करता हूँ, और आज जो उनकी हालत है वो आपकी वजह से। अफसोस नहीं होता आपने किए पे? थोड़ा सा गिल्ट आता होगा, फेस कैसे करती हैं आप अपने आप को? क्या पके जा रहे हो तुम दोनों? तुम लोग जानते भी हो मैंने शिवाय के लिए क्या क्या किया? सब पता है, सब पता है, लेकिन अफसोस सिर्फ एक बात का है कि शिवाय तो आपका बेटा बन गया, लेकिन आप शिवाय की मां नहीं बन पाए। वो कहते हैं ना कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, लेकिन आपने तो वो भी गलत साबित कर दिया। मुझे एक बात बताइए, अगर शिवाय आपका बेटा होता, आपका खून, तब भी आप यही करती? शिवाय आपका खून नहीं है, नहीं है आपका खून, लेकिन आज तक शिवाय ने आपका बेटा होने का हर एक फर्ज निभाया है, कभी इनकार नहीं किया। वो सिर्फ आपको अपनी मां नहीं, भगवान मानता था। प्लीज हमें बताइए छोटी मां, क्या कमी रह गई थी शिवाय के प्यार में जो आपने उससे खुशी छीन ली? और छोटी मां, शिवाय ने अनिका को नहीं खोया है, हमने शिवाय को खोया है, और सबसे ज्यादा आपने। शिवाय भैया हम सबसे दूर नहीं हुए, वो खुद से दूर हो गए। आपको प्रॉब्लम क्या थी अनिका भाभी से, किस बात की जलसी थी? हर इंसान की जिंदगी में माँ की जगह अलग होती है और बीवी की जगह अलग होती है, और शिवाय भैया तो हर रोल अच्छे से निभाते थे,
अनेका भाभी शिवाय भैया की पत्नी थी, इसका ये मतलब नहीं था कि वो आपके बेटे नहीं रहते, हमारे भाई नहीं रहते, दादी के पोते नहीं रहते। वो किया जिसमें शिवाय की भलाई थी। शिवाय की भलाई और खुशी अनेका है। और आपको जो करना था आपने कर लिया छोटी माँ, बस अब जो करना है छोटी माँ वो हम करेंगे, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम अपने भाई को बिखरने नहीं देंगे। हस तक शिवाय ओम और रू को संभाल दिया है, लेकिन अब ओम और रू शिवाय को संभालेंगे, हम अपने भाई को वापस लाएंगे। चल रूडी। अनिका कहाँ जा रही है? इस शहर से दूर। मैं थक गई हूँ, इस शहर ने आज तक मुझसे सिर्फ छीना है। मैं शहर से दूर जाना चाहती हूँ चंदा। शहर बदलने से यादें नहीं बदलती अनिका, तू जहाँ भी जाएगी ना शिवाय की यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। मैं पीछा नहीं छुड़ाना चाहती, मेरे पास शिवाय की यादें ही तो हैं। तो फिर क्यों जा रही है? मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी किस्मत पार पा मुझे शिवाय के सामने ला के खड़ा कर देगी। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन शिवाय की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। लेकिन तू कहाँ जाएगी अनिका? किसी नए शहर में नए सिरे से शुरुआत करना इतनी आसान बात तो नहीं है ना। बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इस शहर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। सगाई, ज़्यादा वक्त नहीं लगा तुम्हें आगे बढ़ने। तुम जैसी लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो कुछ हमारे बीच था उसे तुम भी भूल गई और मैं भी। आई एम श्योर इस बार भी किसी रिच और फेमस लड़के को फंसाया हो। तुम जैसी लड़कियां ना इंसान से उसकी दौलत और बैंक बैलेंस से प्यार करती हैं।